नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉन डियर 5210 गियर प्रो और महिंद्रा 550 एक्सपी प्लस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इन दोनों ही ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा है। इस वीडियो में मैं इन दोनों ही ट्रैक्टरों के केवल उन्हीं फीचरों के बारे में बात करूँगा जो किसान भाई के लिए जानना आवश्यक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के इंजन के बारे में और साथ ही यह पता लगाते हैं कि इन दोनों ही ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर है सबसे दमदार। सबसे पहले बात करते हैं जॉन डियर 5210 के बारे में। तो जॉन डियर 5210 में आपको जॉन डियर का 2940 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है जो 2100 रेटेड आरपीएम पर चलकर लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत और 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर यह ट्रैक्टर 38% बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है जो कि इस श्रेणी में सबसे ज्यादा है। अगर बात करें महिंद्रा 585 के बारे में तो महिंद्रा 585 में आपको महिंद्रा का 3037 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिलता है जो लगभग 2100 आरपीएम पर चलकर 50 हॉर्स पावर की ताकत और 192 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और जरूरत पड़ने पर यह इंजन 30% का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। अगर इंजन के मामले में देखें तो हम पाते हैं कि महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस का इंजन ज़्यादा दमदार है, साथ ही यह इंजन 4 सिलेंडर के साथ आता है, परंतु बैकअप टॉर्क के मामले में जॉन डियर 5210 बाजी मार जाता है। इंजन के बाद अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो जॉन डियर 5210 में आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर वाला सिंक्रोमैक्स या कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स मिलता है। वहीं महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स मिलता है। तो गियर बॉक्स के मामले में तो जॉन डियर 5210 गियर प्रो ही बाजी मारता है। इसको आप अलग अलग स्पीडों में अपने काम के हिसाब से आसानी से चला सकते हैं। अगर बात करें क्लच के बारे में तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको डबल क्लच देखने को मिलते हैं, साथ ही दोनों ट्रैक्टर ऑयल एमएस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। पर जॉन डियर 5210 में जॉन डियर की वर्ल्ड फेमस ऑटो एडजस्टेबल डिस्क ब्रेक मिलते हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इन्हें रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर बात करें टायरों के बारे में जॉन डियर 5210 गियर प्रो में आपको आगे के टायर 6/5/24 के और पिछले टायर 16/9/28 के मिलते हैं। वहीं महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस में आपको अगले टायर 7/50/16 के और पिछले टायर 14/9/28 के मिलते हैं। साथ ही 5210 गियर प्रो आपको फोर व्हील ड्राइव में भी देखने को मिल जाता है जिसमें अगले टायर 9/5/24 के और पिछले टायर 16/9/28 के आते हैं। अगर बात करें दोनों के ही एयर क्लीनर के बारे में तो जॉन डियर में आपको ड्राई ट्रैप एयर क्लीनर मिलता है, वहीं महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस में आपको 3-स्टेज ऑयल बाथ 12 एयर क्लीनर मिलता है। अगर बात करें पीटीओ के बारे में तो जॉन डियर 5210 गियर प्रो में आपको 42.5 हॉर्स पावर की लाइव पीटीओ, साथ ही 540 इकोनॉमी या 540 रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन मिलता है। वहीं महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस में आपको फुल्ली 45 हॉर्स पावर की लाइव पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन मिल जाता है। तो पीटीओ के मामले में तो महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस ही बाजी मारता है। महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस से आप 50 ब्लेड का 8 या 7 फुटा रोटावेटर आसानी से चला सकते हैं। अगर बात करें दोनों ही ट्रैक्टरों की लिफ्ट के बारे में तो जॉन डियर 5210 गियर प्रो में आपको 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली लाइव हाइड्रोलिक मिलती है, वहीं महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस में आपको 1700 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली लाइव हाइड्रोलिक मिलती है। यहाँ पर महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस थोड़ा कमजोर है 5210 की तुलना में। इन दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपैरिजन के हिसाब से कुछ जगह पर जॉन डियर 5210 गियर प्रो बाजी मारता है और वहीं कुछ जगह पर महिंद्रा 585 एक्सपी प्लस बाजी मार जाता है। और यदि किसान भाइयों को अन्य कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।